हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं श्रुति और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया था, आज बात करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और किस किस चीज़ में इनकी ज़रूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, तो बहुत ध्यान से टॉपिक को समझिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर आखिर क्या है। सबसे पहली चीज़, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ये होते क्या हैं। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स। ओके, जब हमने पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स तो हमने क्या देखा था कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो फंड्स चाहिए वो हमें किस लिए चाहिए, वो हमें चाहिए थे फिक्स्ड एसेट्स के लिए। तो अब हम जब पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तो वर्किंग कैपिटल में जो हमें फंड्स चाहिएंगे वो किसके लिए चाहिएंगे। अगर इसमें फिक्स्ड एसेट्स के लिए चाहिए तो इसमें किसके लिए चाहिएगा, करंट एसेट्स के लिए। ठीक है, जैसे कि स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल खरीदना है, स्टॉक खरीदना है मटेरियल का, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए, जो फंड्स हमें चाहिए, दैट कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। एंड करंट एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स भी इसके अंदर आएंगी और करंट एक्सपेंसेस भी। करंट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल वाले जो होते हैं वो होते हैं बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस जो कि फिक्स्ड, लाइक आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने लैंड खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, तो वो फिक्स्ड कैपिटल पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो दैट मीन्स उसमें आपकी कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के वो अंदर आया। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल की, तो करंट एसेट्स जैसे कि स्टॉक ऑफ मटेरियल्स और करंट एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरीज, वेजेस, टैक्सेस एंड रेंट। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें हमें पे करनी हैं हर मंथली बेसिस पर, ये हमें पे करने हैं, छोटे 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 एक्सपेंसेस हैं, ये किसके अंदर आएंगे, हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। क्लियर है इतना। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टेड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। हमने देखा कि जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थी वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। मतलब थोड़े समय के लिए जो चीज़ इन्वेस्ट हमने करे हैं, किसी चीज़ में हमने फंड्स इन्वेस्ट करे हैं बहुत कम समय के लिए, वो आता है हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज देखिएगा, अमाउंट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब इसमें जो अमाउंट है वो फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का साइज क्या है, मतलब आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे है, मीडियम स्केल पे है या लार्ज स्केल पे है, और नेचर क्या है बिजनेस का, यानी कि किस चीज़ का बिजनेस है। ठीक है, किस चीज़ का बिजनेस है, तो साइज और नेचर पर डिपेंड करती है अमाउंट, कि कितनी अमाउंट हम उस बिजनेस के अंदर लगाएंगे, वर्किंग कैपिटल हम कितनी उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, जैसे कि अब नेक्स्ट में मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो होता है उसमें स्मॉल अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग कंसर्न, यानी कि जो ट्रेडिंग कंसर्न है उसमें आपको लार्ज अमाउंट चाहिए होती है, जबकि एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो होगा उसमें आपको स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है। ठीक है, तो साइज क्या हो गया बिजनेस का और नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, ट्रेडिंग कंसर्न, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्किंग कैपिटल है बिजनेस की वो डिसाइड होती है कि कितनी कैपिटल लगेगी। तो ये है हमारा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अभी लास्ट में मैं हट जाऊंगी यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा और अपने कॉपीज में, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो ये है हमारा टॉपिक, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो। ओके, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए नए टॉपिक्स के साथ। अब आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और इन्जॉय कीजिए टॉपिक को। बाय बाय। एज इट इज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपने कॉपीज में, अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। ओके,